जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, भारत इस बीच ऐसी ऐसी खूबियों को, ऐसी ऐसी तकनीकों को स्वदेशी रूप से डेवलप कर चुका है कि पूरी दुनिया सदमे में है। दरअसल दोस्तों, भारत अपने BMD एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक एडवांस रडार सिस्टम बनाने की तैयारी में लगा हुआ है और इसको बनाने के लिए निरंतर भारतीय वैज्ञानिक कार्यरत है। लेकिन दोस्तों, इसका खौफ इतना है कि पाकिस्तान और चाइना तो पहले ही सदमे में थे, लेकिन दोस्तों अब यूरोपीय यूनियन के देश और अमेरिका इस बात से काफी ज्यादा हैरान है कि जो भारत हथियारों का काफी ज्यादा बड़ा आयातक देश हुआ करता था, वो इतना ज्यादा एडवांस रडार सिस्टम कैसे बना सकता है, वो भी स्वदेशी रूप से। और आप सभी मित्रगणों को BMD के बारे में तो पता ही होगा, जिन मित्रगणों को नहीं पता है उन्हें सरल शब्दों में ऐसे बताना चाहूंगा कि BMD एक बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। यानी कि दोस्तों, सरल शब्दों में और एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए कि यदि भारत के ऊपर कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल हमला करती है तो भारत 5000 किलोमीटर दूर से ही उसे नष्ट कर सकता है। यानी कि कभी वॉर जैसी सिचुएशन होती है और चाइना की तरफ से भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है, तो हम उस मिसाइल को चाइना के अंदर घुसकर ही तबाह करने में सक्षम होंगे। और दोस्तों, तो भारत द्वारा बनाया जाने वाला ये एडवांस रडार सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस होने वाला है कि एक दुश्मन देश की मिसाइलों को तो डिटेक्ट कर ही लेगा आसानी से, लेकिन दुश्मन देशों द्वारा जो अल्ट्रा वेव्स डिकॉय भेजे जाते हैं, ये उनका भी पता लगाने में पूर्णतः सक्षम है। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई देश किसी दुश्मन देश के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो उसके साथ कई सारी डिकॉय मिसाइल यानी कि डमी मिसाइलें भी दागता है, जिससे कि दुश्मन देश का रडार सिस्टम कंफ्यूज हो जाए और इन डिकॉय मिसाइलों को शूट डाउन कर ये सोच ले कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों को शूट डाउन कर दिया और बैलिस्टिक मिसाइल अपना असली कार्य कर दे। लेकिन दोस्तों, हमारा ये जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, यानी कि ये जो एडवांस रडार होने वाला है, ये इतना ज्यादा एडवांस होने वाला है कि ये इस तरीके के भ्रमण करने वाली चीजों को आसानी से पहचान सकता है और स्पेशली इसे इसीलिए डिजाइन किया जा रहा है। और यही कारण है दोस्तों, इस एयर डिफेंस सिस्टम को और इस रडार को अनबीटेबल कहना भी गलत नहीं होगा। और बताया जा रहा है कि इस रडार सिस्टम को आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद भारत एक अभेद्य किले में बदल जाएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो को खत्म करते हुए एक बोनस खबर भी दे देता हूं कि पिनाका रॉकेट डिफेंस सिस्टम को लेकर एक एक्सपोर्ट खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक और नया देश ग्राहक मिल गया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये नया देश नाइजीरिया है, लेकिन ऑफिशियली इस बात को अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, ये बात भी फैक्ट है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर इस डील का फाइनल होना भी तय है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में और इस रडार को लेकर आप सभी मित्रगणों की क्या राय, अपने अवेलेबल विचार कमेंट्स कर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की।